लोगों का ध्यान हटाने की बात करते हैं। आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री कल आए, चूरू में आए। चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी किसानों का इलाका है। वहां पर जो अग्निपथ या अग्निवीर की जो स्कीम है उसकी बात करनी चाहिए थी कि इसको हम पक्की नौकरी करेंगे। उनको वहां पर किसानों के कर्ज माफी की बात करनी चाहिए थी, जो किसानों की आमदनी दुगुनी करने की बात करें, वो बात नहीं की। हमने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी, जहां हमारे सैनिक, यहां के सैनिक, शेखावाटी के सैनिक वहां पर बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं। भाई, उन बॉर्डर पे रहने वाले सैनिकों को, किसान के बेटों को, जो देश की आन बान शान के लिए अपने सीने पे गोली खाने को तैयार, क्या उनको वहां पर जमीन अलॉट कर रहे हो क्या आप? 370 से उनका पेट थोड़ी भर गया। उनका पेट भरेगा अगर उनको स्थायी नौकरी दोगे, उनकी पेंशन की विसंगतियां दूर करोगे, उनके किसानों के कर्जे माफ करोगे, उनकी आमदनी दुगुनी करोगे, उनके इलाज की पूरी व्यवस्था करोगे, उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात करोगे, तो उनका पेट भरेगा, उनको ठीक लगेगा। तो जुमले देने से देश की तरक्की नहीं कर सकता। और अब 10 साल हो गए, बहुत हो गया, लोग तंग आ चुके हैं इनकी तानाशाही से। और ये भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने वाले लोग संस्थागत भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड उसका जीता जागता नमूना है, नोटबंदी इसका जीता जागता नमूना है, सब चीजें जनता के सामने है। इसलिए इनको अब कोई जो है वो भुगतेगा नहीं, पूरा देश जान चुका है। और ये लोग अब सत्ता से बाहर होने वाले। प्रधानमंत्री आज पुष्कर पहुंचने वाले हैं, वहां जाहिर सी बात है आपकी नीतियों पर सवाल खड़े करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की जो स्थिति रही उस पर बात करेंगे, और अमूमन जिस तरीके से वो आप लोगों पर हमलावर रहते हैं, जाहिर से आज भी वो आप उनके पास तो वही रटी रटाई बातें हैं। पुष्कर जहां जा रहे हैं, 500 करोड़ रुपए लगा करके हमारी सरकार ने सैंक्शनें निकाली, और वहाँ का जो हमारा ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ पर धार्मिक स्थल है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। इनका क्या किया हुआ है? वही अजमेर जिला है जिससे ERCP का पानी आना था, जल संसाधन मंत्री राजस्थान का था, मोदी जी ने उसी अजमेर में वादा किया था कि हम 2018 में 19 से पहले कि हम जयपुर और अजमेर ही थे जहां से उन्होंने कहा था कि हम ERCP को राष्ट्रीय परियोजना जल्द बना देंगे और पेयजल की इनकी व्यवस्था ठीक कर देंगे, सिंचाई की सुविधा कर देंगे। कर दिया क्या आप बताओ? एक रुपए का काम नहीं। MOU कर दिया। कहाँ वो MOU? क्या है उसमें? कितना पानी मिलेगा? पानी पीने का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सिंचाई का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यमुना के पानी से हमको पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सब चीजें हवा हवाई हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने 10 साल में बातें की हैं मंचों के ऊपर से, उनका जवाब देना चाहिए, न कि धार्मिक ध्रुवीकरण और संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके चुनाव लड़ने की जो उनकी आदत बन गई है उससे बाहर आना चाहिए।